तीनों बीमारियां डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी कितनी ज्यादा गंभीर बीमारियां होती है और ये बीमारियां दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी डीटैप वैक्सीन के बारे में, जो कि गर्भावस्था के दौरान लगना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये डीटैप वैक्सीन 3-in-1 वैक्सीन होता है जिसमें डिप्थीरिया, टेटनेस और पर्टिसिस जैसी घातक बीमारियों को कवर किया जाता है। ये 3-in-1 डीटैप वैक्सीन गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी के 27 से लेकर 36 हफ्तों के बीच में जरूर लगा लेना चाहिए, या फिर प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही या फिर तीसरी तिमाही में इन वैक्सीन को गर्भवती महिलाओं को जरूर लगा लेना चाहिए। ये टीके दोस्तों गर्भवती महिला और उसकी होने वाली संतान दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इन टीकों को लगाने के बाद गर्भवती महिला के शरीर में रोगों से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनते हैं और वे गर्भनाल के जरिए गर्भ में पल रहे बच्चे को मिलते हैं और इस तरीके से बच्चा जन्म से ही रोगों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता लेकर पैदा होता है। वैसे दोस्तों डिप्थीरिया, टेटनेस और पर्टिसिस जिसे की काली खांसी कहा जाता है, ये टीके डिलीवरी के बाद नवजात शिशु को फिर से लगाए जाते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान माँ को भी ये टीके लगाए जाते हैं ताकि जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को ये बीमारियां ना हो। इन टीकों को लगाना क्यों जरूरी होता है, क्या बीमारियां इनसे हो सकती हैं, इन बातों को अब मैं थोड़ा सा विस्तार में आपको बता देती हूं कि क्या होता है डिप्थीरिया, क्या होता है टेटनस और क्या होती है काली खांसी जिसे कि पर्टिसिस कहा जाता है। दोस्तों डिप्थीरिया जो बीमारी होती है वो बैक्टीरिया के कारण होती है। अगर ये बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर लेता है तो इससे व्यक्ति को बुखार आ सकता है, गले में खराश हो सकती है और गले में चिपकी झिल्लियों पर चकते और सांस लेने में कठिनाई हो सकती है और गंभीर मामलों में इससे श्वसन नली होती है उसमें रुकावट हो सकती है और ये एक कम्युनिकेबल डिजीज होती है जो एक इंसान से दूसरे इंसान को संक्रमित कर लेती है और अगर ये बीमारी जोर पकड़ ले तो इसके गंभीर परिणाम व्यक्ति को झेलने पड़ जाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों टिटनेस जो होता है ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये बैक्टीरिया शरीर के अंदर त्वचा पर पड़ी हुई दरारों के माध्यम से प्रवेश करता है और एक तरीके का विषैला पदार्थ उत्पन्न करता है जो की तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण करता है। इससे शरीर में दर्दनाक कसाव होता है और जबड़ों में जड़ाव पैदा हो जाता है, परिणाम स्वरूप व्यक्ति मुंह नहीं खोल पाता है या फिर कुछ निगल नहीं सकता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, जब टिटनेस सांस लेने में मदद करने वाली मांसपेशियों को प्रभावित करता है तो इसके गंभीर परिणाम व्यक्ति को झेलने पड़ जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पर्टिसिस यानी कि काली खांसी के बारे में। काली खांसी, इसे कुकुर खांसी भी कहा जाता है और ये एक ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है। अगर किसी को काली खांसी की शिकायत हो जाती है तो इससे शुरुआत में नाक बहती है, छींके आती है, हल्का बुखार रहता है और हल्की हल्की खांसी शुरू हो जाती है। इसके बाद ये खांसी धीरे धीरे जोर पकड़ लेती है और बार बार जोर जोर से खांसने पर खाने पीने में या फिर सांस लेने में बहुत ही ज्यादा कठिनाई होती है और अगर ये संक्रमण कई हफ्तों तक रहता है, ये लक्षण कई हफ्तों तक दिखाई देते हैं तो इससे फेफड़ों का संक्रमण और यहाँ तक कि दौरा पड़ना और मस्तिष्क घात भी हो सकता है। तो ये काली खांसी के लक्षण होते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, ये तीनों बीमारियां डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी कितनी ज्यादा गंभीर बीमारियां होती है और ये बीमारियां संक्रमण से फैलने वाली बीमारियां होती है। तो इन बीमारियों से बचने के लिए ये वैक्सीन गर्भवती महिलाओं को लगाया जाता है ताकि गर्भवती महिलाओं के शरीर में एंटीबॉडीज बने और ये एंटीबॉडीज गर्भ में पल रहे शिशु तक भी पहुंचे और मां के साथ साथ गर्भ में पल रहे शिशु को भविष्य में इस तरीके की भयावह बीमारियों का सामना ना करना पड़े। तो आप भी अपने डॉक्टर की सलाह पर डीटैप का ये 3-in-1 वैक्सीन जरूर लगवाइए और अपनी और अपने गर्भ में पल रहे शिशु की हिफाजत करिए। आई होप दोस्तों की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।